हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजिस्ट ए के एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन हिस्टोलॉजी मींस जब हम बोन की फिजियोलॉजी को समझते हैं फिजियोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स विद इन द बोन एंड व्हाट आर द मिनरल कंटेंट मैट्रिक्स एंड फाइबर्स प्रजेंट विद इन द बोन सो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोन का एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स क्या होता है उसमें कैसे वो फॉर्म होता है और उसमें कौन कौन से मिनरल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं बोन इज आल्सो नॉन एज ओशियस टिश्यू ओशियस का मतलब ही बोन ही होता है इट इज़ अपडेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो कौन सी सेल्स वो सेल्स जो बोन की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करती हैं कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स मतलब कि एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है इसमें फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है थर्टी परसेंट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं एंड ग्रोथ में रिपेयर में मिनरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट इसमें क्रिस्टलाइजर मिनरल सोल्ट होता है जो इसको क्रिस्टलि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक हार्ड स्ट्रक्चर बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लिविंग एंड डेड बोन में यही फ़र्क होता है सॉफ्ट बोन में भी यही फर्क होता है कि जो हमारी बोन होगी लिविंग बोन होगी उसमें मिनरल कंटेंट होगा पर डेड बोन में नहीं होगा और जो सॉफ्ट बोन होती है उसमें बोनी स्ट्रक्चर कैल्शियम फोस्फेट वाला पार्ट रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ बोनी पार्ट सिर्फ मिनरल कंटेंट रह जाता है So, the most abundant mineral salt that is present in the bone is calcium phosphate Ca3PO4 hal twice 2. This is the formula of calcium phosphate. It will combine with, with another mineral salt that is calcium hydroxide to form some crystal of hydroxyapatite Ca10PO4 hal twice 6 and po ओ एच टू दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट सो द हाइड्रो एक्सी एपेटाइट इज़ द मेन मिनरल कंटेंट ऑफ ए बोन दिस मिनरल विल कम्बाइन विद अदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये कम्बाइन करेगा मैग्नीशियम आयन के साथ कम्बाइन करेगा फ्लोरोइड के साथ पोटेशियम आयन एंड सल्फेट के साथ कंबाइन करके मिनरल कंटेंट फॉर्म करेगा बोन का ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मिनरल साल्टस बोन के अंदर डिपोजिट होते हैं इस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं मतलब कि बोन हमारी कैल्सिफाइड हो गई है और ये, ये। जो प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन की ये एक स्पेशलाइज्ड सेल जो कि बोन की सेल्स है ओस्टिओ सेल उसके थ्रू इनिशिएट की जाती है बोन की जो हार्डनेस है कि हमारी बोन कितनी हार्ड होगी ये उसके क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट के ऊपर डिपेंड करती है जैसे कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट की कितनी क्रिस्टलाइजेशन कैपेबिलिटी है और बोन की फ्लेक्सिबिलिटी कोलेजन फाइबर के ऊपर डिपेंड करती है इसीलिए मैंने बोला अगर मिनरल साल्ट को रिमूव कर दें तो बोन हमारी क्या हो जाएगी बहुत सॉफ्ट फ्लैक्सीबल और अगर मिनरल साल्ट अगर हम कोलेजन फाइबर को रिमूव कर दें तो बोन हार्ड हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा की हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम उन सेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो बोन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करती हैं सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेल्स ओस्टियोजेनिक ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन फर्स्ट वन इज ओस्टियोजेनिक सेल्स ओस्टियोजेनिक सेल्स आर स्टेम सेल्स स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो डिवाइड होके बहुत सारी टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती हूँ मतलब उनकी डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है और सेल को रिन्यू करने की कैपेबिलिटी होती है दे आर डिराइव फ्रॉम मेजनकाइन मैजिनकाइन एम्ब्रॉइनिक स्टेज पे डेवलप होने वाला टिश्यू है जिसके थ्रू हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि स्किन है ब्लड सेल्स हैं एंड बॉन टिशू या बॉन सेल्स ये डिफ्रें ये डिवेलप होती हैं और ये क्या होता है कनेक्टिव टिशू होता है बट इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंश होती हैं मतलब कि ये स्टेम सेल्स को कंसिस्ट करता है अनडिफ्रेंश का मतलब ये होता है अनडिफ्रेंशेड का मतलब होता है कि कोई सेल्स डिवाइड हो रखी है पर वो अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप में अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन स्पेशलाइज नहीं की गई हैं वो अभी स्टेम सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है जो फर्दर डेवलप होके स्किन सेल्स जैसे एपिडर्मल की सेल्स या डर्मिस की सेल्स ब्लड सेल्स और बोन सेल्स की फॉर्मेशन करेगी तो ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे हमारी ओस्टोजेनिक सेल्स डेवलप होती हैं दे आर फाउंड अलोंग द इनर पोर्शन ऑफ द पेरियोस्टियम आपने बोन का मैंने स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया ह्यूमरस की हेल्प से यहाँ पर हमारा क्या होता है डाइफाइसिस और डायफाइसिस के ऊपर हमारी कनेक्टिव टिश्यू की सीट की लेयर प्रेजेंट होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की जिसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं तो पेरियोस्टियम की इनर लाइनिंग पे हमारी ओस्ट्रोजेनिक सेल्स प्रजेंट होती है दे हैव मेडुलरी कैपिटी एंड एंडोस्टियम नेक्स्ट वन इज ओस्टोब्लास्ट सेल दीज आर ओस्टोब्लास्ट सेल्स दे आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग सेल्स ओस्टो मतलब एंड ब्लास्ट मतलब बिल्डिंग सेल्स जेनिक मतलब जनरेटिंग सेल्स सो ओस्टोब्लास्ट सेल विल सिंथेसाइड एंड सीक्रेट कोलेजन फाइबर जो सेल को क्या प्रोवाइड करता है फ्लैक्सीबिलिटी कोलेजन कैसा होता है हमारा ग्रे कलर का ग्रे ब्लूइश कलर का होता है एंड अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट और जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स को बिल्ड करने के लिए उसकी फॉर्मेशन ओस्ट्रियो ब्लास्ट करता है एंड इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन मतलब मिनरल को डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है बोन के अंदर वो स्टार्ट करता है ओस्ट्रियो ब्लास्ट हेयर इज द मेट्रिक्स एंड हेयर इज द ओस्ट्रियोड सेल्स नेक्स्ट वन इज ओस्टिओसाइट्स ओस्ट्रियोसाइट्स और मेचोर बोन सेल्स मेंटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है मेटाबोलिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म दोनों ही आते हैं कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन करना मतलब कि जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनको तोड़ के किसी नए बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन करना एनाबोलिज्म है और उनको तोड़ना कैटाबोलिज्म है तो बोन के अंदर भी डिफरेंट टाइप की प्रोसेस चलती रहती है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है फॉर्म करना पड़ता है तो वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन की जाती है बोन अंदर, के अंदर ओस्टोसाइट्स के थ्रू सच एज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द ब्लड

और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं मतलब कि उनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है अब वो दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकती अपने आप को इसलिए दे आर मेच्योर सेल्स एंड दे विल नॉट अंडर गो सेल डिविजन नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्लास्ट मतलब ईट करना इट रिलीज लाइजोजोमल एंजाइम्स लाइजोजोमल्स एंजाइम जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं पीएच फोर टू फाइव पे एंड ये कुछ एंजाइम्स को कंसिस्ट करते हैं लाइपेज प्रोटीज और कहाँ पे एंटोस्टियम के अंदर जो प्रोटीन को मिनरल कंपोनेंट को जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में दिस येलो कलर शोज द एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी मिनरल कंटेंट है जो भी प्रोटीन है या फिर कुछ इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है वहाँ पे जो भी पैथोजन होगा उसको ये क्या कर लेंगी इनगल्फ कर लेंगी सो दिस ब्रेक डाउन और बोन एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स इस टर्म्स एज रिजॉर्पशन इसमें हमारी बोन टिश्यू डिग्रेड होने लग जाता है वीक होने लग जाता है